ये खबर मिल रही है बाहरी उत्तरी दिल्ली के समयपुर बादली थाना पुलिस ने आज सुबह एक बुजुर्ग का फोन रिसीव कर भाग रहे दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाबी कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने फायरिंग की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमित और राहुल के रूप में हुई है। पहले भी आरोपियों के ऊपर स्नैचिंग और सीना जब्ती के कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संवाददाता संजय सिंह की खास रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि हमारे एसीपी सर की बड़ी सख्त हिदायत है कि जो स्ट्रीट क्राइम है उसके ऊपर एक मजबूत पकड़ बनाई जाए। उसी के चलते हमारा स्टाफ जो है ये बहुत ही एफिशिएंटली पेट्रोलिंग कर रहा था और ये दो रॉबर हैं, एक का नाम है अमित अलियास हैरी, दूसरे का नाम है राहुल अलियास पवन। इनमें से एक सागरपुर का रहने वाला है, दूसरा यहाँ शाबाद डेयरी का ही रहने वाला है और एक के ऊपर 33 मुकदमे हैं, दूसरे के ऊपर 26 मुकदमे हैं। ये लोगों ने सेक्टर 18 से एक मोबाइल स्नैच किया और ये हमारे जो पेट्रोलिंग स्टाफ था, ये दो मोटरसाइकिल पे हमारे तीन कांस्टेबल थे, कांस्टेबल प्रदीप सुमित और तीसरे का नाम प्रेस रिलीज में आपको मिल जाएगा। इन लोगों ने इमीडिएटली इनको चेस करना शुरू किया। सेक्टर 18 से कट करके इन्होंने मुनक कनाल वाली रोड ले ली क्योंकि वो रोड काफ़ी खाली होती है और बहुत तेज़ी से गाड़ी निकालने की कोशिश करी तो हमारे स्टाफ ने भी इनका पीछा किया, बौखला कर इनकी मोटरसाइकिल गिर गई। गिरते ही स्किट करते ही ये उठते ही इन्होंने हमारे स्टाफ के ऊपर तीन राउंड फायर किए। बदले में हमारे स्टाफ ने भी जवाबी कार्रवाई में इनके ऊपर गोली चलाई, दो राउंड हमारी तरफ से भी फायर हुए और ये दोनों इंजर्ड भी हुए दोनों के दोनों। और इनकी जब हमने तफ्तीश करी तो इनके पास से, दोनों के पास से एक एक पिस्टल, एक मोटरसाइकिल चोरी की और 10 मोबाइल फ़ोन इनके पास से रिकवर हुए। साथ ही साथ हमें पता लगा कि शाबाद डेयरी में एक दिन पहले इन्होंने एक 12,000 रुपये पिस्टल दिखाकर किसी को, एक बुजुर्ग आदमी को लूटने की वारदात भी करी थी और उसके पैर में इन्होंने गोली भी मारी थी, उसके पैर पर गोली भी मारी थी। वो वारदात भी इनकी गिरफ्तारी से खुल गई है।